तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम रोलिंग से लेके टाइप सिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें मैक्सिमम रिडक्शन निकालना होता है। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक 2015 में सेट 3 में वॉट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या है, इन अ रोलिंग ऑपरेशन यूजिंग रोल्स ऑफ डायमीटर 500 mm, तो जो रोलर्स हम इस्तेमाल करें उसका डायमीटर है 500 mm, इफ 25 mm थिक प्लेट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 20 mm। तो 25 mm थिक प्लेट है, कम से कम आप उसे कितना पतला कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस द थिकनेस अप टू 20 mm इन अ सिंगल पास एक बार में, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल्स एंड द प्लेट इज, ठीक है। तो सही बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अभी मतलब पिछले ही क्वेश्चन के अंदर ये टाइप सिक्स प्रॉब्लम के अंदर जो मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन मैक्सिमम रिडक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू स्क्वायर आर, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ द रोलर। अब यहाँ पे इनिशियल थिकनेस है 25, ठीक है, और कम से कम जितना थिकनेस लेकर आ सकते हो प्लेट की, मैक्सिमम जो लास्ट है कितनी लेकर आ सकते हैं, दैट इज 20, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम रिडक्शन जो हमें मिल सकता है दैट इज इक्वल टू 5 mm, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिडक्शन, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5 mm, म्यू स्क्वायर आर रेडियस। अब हमें रोलर का डायमीटर दे रखा है 500 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगा 250 mm, ये भी एमएम में, ये भी एमएम में कट जाएगा, यूनिट्स कट जाएंगे, we will get a dimensionless number, ठीक है। तो mu की वैल्यू, mu square is equal to 5 divided by 250, तो mu क्या आ गया, square root of, ये इससे कट गया, ये आ गया 1 by 50, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। mu की वैल्यू क्या आ रही है, square root of 5 divided by 250, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ओ गलत लिख दिया, mu ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाय 250 ब्रैकेट क्लोज, इट गिव्स अस क्या आ रहा है 0.14142। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।